हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियोथेरेपी रोगियों के लिए एक टैबलेट विकसित की गई है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, जिसका नाम है एक्टोसाइट। ये जो एक्टोसाइट टैबलेट है, इसको विकसित किया गया है भारतीय वैज्ञानिकों ने ही, ये कारनामा किया है। आप देखो, ये एक्टोसाइट ये किसने विकसित किया है, किसके सहयोग से किया है, सब जानकारी देंगे, किस चीज के लिए है, सब A to Z। वैसे मैं बता देता हूँ ये किसके लिए है, कैंसर रोगियों के लिए। ठीक है, अब देखो इसको विकसित किसने किया है। अब देखो, ये विकसित किया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग है। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में पड़ता है, उनके वैज्ञानिकों ने और IRDS के वैज्ञानिकों ने एक साथ, दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से एक्टोसाइट नामक टैबलेट विकसित की है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होगा, इसका मुख्य कार्य है जो रेडियोथेरेपी से जुड़े दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम करना। कि इससे कितने दुष्प्रभाव होते हैं, कितना कम होता है, कितना नहीं, उसके लिए इसको विकसित किया गया है। अब ये जो रेडियोथेरेपी है उसमें क्या, जो कैंसर रोगी होते हैं, रेडियोथेरेपी से क्या क्या आता है, कैंसर को रोकने का कार्य किया जाता है। अब उसी चीज पे ये चीज टेबलेट बनाई गई है कि ये रेडियोथेरेपी के माध्यम से एक्टोसाइट कितना कारगर है कैंसर रोगियों के लिए। और ये कौन से कैंसर के लिए, मैं बता देता हूँ। तो ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो सर्वाइकल होता है, ठीक है, उसकी जानकारी देंगे। अब सर्वाइकल कैंसर है वो इस टेबलेट को ले सकते हैं, जो मार्केट में जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पेल्विक कैंसर, पेल्विक कैंसर को क्या बोल सकते हैं हम, सर्वाइकल कैंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि पेल्विक सर्वाइकल दोनों एक ही होती हैं। पेल्विक को इंग्लिश में कह देते हैं, सर्वाइकल हिंदी में कह देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज जान लो, ये जो पेल्विक कैंसर होता है या सर्वाइकल सर्वाइवल कैंसर होता है, ये होता कैसे। तो सबसे पहले हम कैंसर को देखते हैं। ये जो कैंसर होता है, मैं सीधे बता देता हूँ, ऐसे कैंसर जो होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, वे क्या होती है, अनियंत्रित हो जाती है, यानी वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और वो एक स्थान पे क्या होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है या एकत्रित होने लगती है। जब वो एक स्थान पे एकत्रित होने लगती है तो धीरे धीरे किस चीज का रूप ले लेती है, वो कैंसर का रूप ले लेती है। और जहां पर वो इकट्ठा होती है उसी स्थान के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है कि सर्वाइकल है या ये दूसरा कैंसर है। ठीक है, तो उस चीज के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, चाहे वो बाद में शरीर के किसी दूसरे हिस्से में चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बात करते हैं सर्वाइवल कैंसर की। जो सर्वाइवल कैंसर होता है ये मोस्टली किस, कहाँ से शुरू होता है, ये जो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय के ग्रीवा से शुरू होता है ये। और ये मोस्टली होता कैसे है, पीरियड्स के दौरान जो फिजिकल रिलेशन बना लेता है, तो उस दौरान सर्वाइवल कैंसर होने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं इस चीज में। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटा देते हैं जो मैंने ऊपर वहां पे लिखा है। अब देखो ये भी इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे कैंसर, कैंसर को ठीक कर लेना, यहाँ पे रह आ जाए। ठीक है, कैंसर। अब देखो यहाँ पर भी बात करें, ह्यूमन, ये क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो सर्वाइवल कैंसर होता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ही होता है। ये क्या करता है, मैंने बताया अभी, जो पीरियड्स के दौरान फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं तो उस समय ये जो वायरस होता है ये एक्टिव हो जाता है यहाँ पर। तो लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण के कारण सर्वाइवल कैंसर होता है, यही सर्वाइवल कैंसर का मुख्य कारण होता है। और ये जो होता है, यानी HPV, इसको HPV बोल देते हैं, ये एक आम वायरस होता है जो सेक्स के दौरान व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, मैंने अभी पीछे बताया आप लोग को। और इसका इलाज कैसे होता है, जो स्क्रीनिंग परीक्षण होता है और जो इसके लिए वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सर्वाइकल, ये वैक्सीन लगाई जाती है, इसको रोकने के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये इतनी कारगर नहीं थी, जो अब वैज्ञानिकों ने बना दी है, जो जनवरी 2024 से मार्केट में शुरू हो जाएगी बिकना, जिसका नाम है एक्टोसाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक्टोसाइट टैबलेट, मैं इसी टैबलेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी टैबलेट, ये टैबलेट 2024 से बिकना शुरू हो जाएगी। अब देखो ये किस चीज में काम आएगी, ये कैंसर थेरेपी में काम आएगी, जो रेडियो थेरेपी है उसमें सहायक होगी। और ये मैंने पीछे बताया था कैंसर रेडियो थेरेपी क्या काम करती है, ये जो कैंसर होता है कैंसर को रोकने के लिए सहायक होती है, उसको रोकने का कार्य करती है कैंसर रेडियो थेरेपी। अब आगे दिया गया है रीजेनरेटिव न्यूट्रास्यूटिकल। अब ये क्या काम करेगी, रीजेनरेटिव न्यूट्रास्यूटिकल, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है पोषक तत्वों से संबंधित, जो पौष्टिक होते हैं। ठीक है, पौष्टिक तत्वों से संबंधित, जो हमारा खान पीन होता है जो पौष्टिक होता है, तो पौष्टिक तत्वों के माध्यम से बीमारी के जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है, जो घातक प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकने का कार्य किया जाता है पौष्टिक खान पीन के माध्यम से। अब फिर आता है इम्यूनो मॉड्यूलर।
अब ये जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है ये क्या काम करता है, इसका जो उपयोग होता है ना इसको हम कह सकते हैं अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण इसको हम कह सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण कैसे, इसका मुख्य काम क्या होता है, जो नए अंग होते हैं उनको उगने से रोकना, क्योंकि क्या आपने देखा होगा जो कैंसर रोगी होता है उसमें क्या होते हैं जो नए अंग होते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं, जैसे गठिया हो गया, जो गांठ बन जाती है बॉडी में, तो गठिया के इलाज में इसका यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, इसमें ही जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, जो हमारे शरीर की क्षमता होती है इम्यूनिटी, उसको या तो कम किया जाता है या उसको ज्यादा किया जाता है, कम या ज्यादा करके यहाँ पर इलाज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या करते हैं इसमें बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं जिससे क्या हो, कोशिका जो खराब हो रही है उसको रोका जा सके। तुमने देखो जब भी किसी को बुखार भी होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है ना कमजोर हो जाती है, तो इसका मुख्य यही काम होता है, इसकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ा देना, उसको इंक्रीज कर देना, जिससे जो हमारी कोशिका है वो जो खराब हो रही है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगे, अच्छी होने लगे। तो ये जो गोलियां हैं कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण है, ये इसमें यहाँ पर बताई गई है। तो आगे चलते हैं, अब देखो इसको मान्यता भी मिल गई है FSSAI की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक लाइसेंस प्रदान करती है कि ये चाहे प्रोटीन हो, कोई ड्रग हो या खान पीन की कोई चीज हो, कि हाँ ये मानव के कल्याण मतलब मानव की सेफ्टी के लिए है, ठीक है, इससे मानव को कोई नुकसान नहीं है। तो अब ये जो एक्टोसाइट है टेबलेट, इसको भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत FSSAI द्वारा मंजूरी मिल गई है, क्योंकि FSSAI किसके अंडर में काम करता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर, जो जनवरी 2024 में बाजार में आना शुरू हो जाएगी, यानी आने की पूरी उम्मीद है, जनवरी 2024 यानी फरवरी 2024 तक ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये कैंसर रोगियों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिसको सर्वाइकल कैंसर है कि हाँ उनके लिए दवाई आ गई है मार्केट में या आ जाएगी मार्केट में जो उनको ठीक कर सकती है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।